जबलपुर शहर में आम नागरिकों द्वारा सीएम हेल्पलाइन का उपयोग कर शिकायतें दर्ज कराई जाती है। सामान्यतः तो शिकायतों का निराकरण तयशुदा समय पर हो जाता है, लेकिन अपराध शाखा से जुड़े शिकायतों में विवेचना के दौरान समय लग जाता है। इन्हीं बातों पर प्रकाश डालते हुए जबलपुर रेंज के आईजी भागवत सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा है कि सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायतें एक प्रोटोकॉल के तहत संबंधित अधिकारियों तक पहुंचती हैं, जिसकी क्रमबद्ध तरीके से संबंधित अधिकारी जांच करते हैं। पुलिस प्रशासन का हमेशा से प्रयास रहता है कि शिकायतकर्ता की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, लेकिन कुछ शिकायत में विवेचना के दौरान समय भी लगता है। हालांकि आईजी जबलपुर रेंज ने अपने सभी अधिकारियों को समय रहते प्राथमिकता के साथ सभी शिकायतों के निराकरण के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। काफ़ी सहूलियत होती है, जैसे पुलिस कभी कार्रवाई नहीं कर पाती या उसमें शिकायतें आती, तो इसमें कार्रवाई किस तरीके से पुलिस करती है, कई बार आपका आरोप रहता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है, तो इस पर आप क्या निर्देश देना चाहते हैं? सीएम हेल्पलाइन एक बहुत अच्छी योजना है मध्य प्रदेश शासन की, और इसमें आप घर बैठे ही कंप्लेंट कर सकते हैं और उस कंप्लेंट पर तत्काल कल संबंधित विभाग के कर्मचारी जिसके जो प्रिंसिपल है वहाँ पर शिकायत आती है, उसका एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के अंदर आपको जांच करके रिपोर्ट देना पड़ता है और उसका फिर यदि उस लेवल पे समस्या का निदान नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली वो एक टाइम पीरियड के बाद ऊपर के लेवल के अधिकारी के पास पहुँच जाती है। इस तरह से उसका सीढ़ी दर सीढ़ी दर उसकी मॉनिटरिंग होती है और उसमें अधिकांश लोगों को कार्रवाई का परिणाम मिलता है और लोग खुश भी हैं। कुछ शिकायत जरूर जो है जिनका निराकरण विभाग के द्वारा नहीं कर पाते हैं उसमें असंतोष रहता है। हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि पूरी जांच करके उसको तत्काल सहायता और सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।